फिरोजाबाद नगर के तिलक इंटर कॉलेज मैदान में नगर निगम की ओर से दीपावली मेले का आगाज हुआ, जिसका शुभारंभ डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, सांसद व मेयर नूतन राठौर, नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत MG गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मेले में लगे प्रत्येक स्टॉल लगाने वालों का माला पहना कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात सांसद व विधायक व जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने मेले का अवलोकन करते हुए आयोजित मेले की सराहना की। इस मेले पर सांसद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत को ऐसे कार्यक्रमों से बल मिल रहा है। उन्होंने दीपावली मेला में ग्रामीण उद्यमियों की ओर से बनाए गए तरह तरह के डिजाइन के मिट्टी के दीपक, कलश, लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति, बांस और जूट के हैंडीक्राफ्ट वस्त्र, आसान, माला, फूल के अलावा तरह तरह के लेडीज सूट व साड़ी के स्टॉल सजे रहे। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, नगर निगम की महापौर नूतन राठौर, नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा, विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, छपोरी लाल एवं कई अधिकारीगण, नगर निगम के स्टाफ सहित मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से राजेश शर्मा की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। देखिए क्योंकि आजादी के बाद गणेश को हम योगी जी की सरकार जब से आई मंगल चरण मानते हैं, तब से उत्तर प्रदेश के लोगों को दिवाली का सही स्वरूप देखने को मिल रहा है। जैसे भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, उस समय जिस तरह से दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, उस तरह से हमारे माननीय योगी जी ने जब सरकार में मुख्यमंत्री बने तो अयोध्या में उस तरह के दीपोत्सव का कार्यक्रम उन्होंने किया। उस समय 51,000 दिए, आज 7 लाख से ज़्यादा दिए पिछले वर्षों में वहाँ जलाए गए। हेलीकॉप्टर से मैंने पुष्प वर्षा भी हुई, जो ऐसा अवसर हुआ जैसे लग रहा स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता जो है आकाश से जो है धरती पर उतर रहे। इस तरह का उमंग और आज वो चीज़ें जो अयोध्या से शुरुआत हुई थी, आज प्रदेश के हर जिले में आज जो हमारी सरकार जो है, जो हमारे जो लाभार्थी हैं, चाहे अभी देखिए अभी अब हमारे यहाँ की मेयर साहिबा बता रही थी कि जो यहाँ लोन मेला भी यहाँ पर यह है कि एक ही जगह पर हर चीज़ उपलब्ध है। कोई भी हमारा युवक युवतियाँ जो कुछ रोजगार करना चाहते हैं वो इस दिवाली के अवसर पर उनको एक तरह से गिफ्ट जो है, ये दिवाली का गिफ्ट है कि एक ही जगह से उनको सब चीज़ स्वीकृति प्राप्त होगी। माने हमारे सांसद जी हैं, माने विधायक जी हैं, ये ऐसा त्यौहार आज देखिए पूरे फिरोजाबाद में क्या कभी पिछले दिनों में कभी यहाँ के लोगों को देखने को मिला होगा। आज सब कुछ माने निःशुल्क अभी कितने अभी बताया गया जितने स्टॉल लगे हुए हैं उनको 54 स्टॉल लगे सभी निःशुल्क लगाया गया है। पहले के दिनों में कितना इन लोगों से टैक्स लिया जाता था, कितनी दिक्कतें होती थी, आज सबको इसका सुविधा होगी। हर्षोल्लास के साथ लोग दिवाली, आज अभी दिवाली अभी एक हफ्ता बाद है लेकिन आज ही लग रहा है कि फिरोजाबाद में दिवाली मनाई जा रही है।